हाँ जी फ्रेंड्स, हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं काउंट ऑफ द फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, हम उसमें ज्ञात करेंगे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमारे। चलिए हम पहला ले चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक पहला। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइए, आपको इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। ये तो हम जीरो लेवल से ले चल रहे हैं, तो इसमें कोई बंदा बता देगा कि ये त्रिभुज कितना है, केवल एक त्रिभुज है इसमें। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए हम दूसरे पर चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दो। इस आकृति में कितने त्रिभुज हमारे, तो इसमें कैसे हम पता करेंगे, तो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी। वह शॉर्ट ट्रिक में जाके हर कोई बंदा विदाउट शॉर्ट ट्रिक के करेगा तो कैसे करेगा। एक हमारा ये हो गया, ये काउंट करेगा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज, और तीसरा ये बड़े वाला, ऐसे काउंट करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इन दोनों के बीच स्पेस है, तो पहला स्पेस कर लिया हमने, ठीक है ना। और ऐसे ही इससे और यहाँ पे ये हो गया दूसरा स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो पहला प्लस दो बराबर कितना हो गया, तीन। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक दो और ये तीन, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसमें त्रिभुज क्या कैसे निकालेंगे हम, एक प्लस दो प्लस तीन, एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितने हुए, छह त्रिभुज। केवल दो से तीन सेकंड लगने वाले हैं आपको किसी भी आकृति में त्रिभुजों को काउंट करने में, और इस हमारी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आप, जीरो लेवल से स्टार्टिंग है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि हमारी आकृति में से क्वेश्चन ना फंसे। अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट के चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये रही नेक्स्ट आकृति, इसको कैसे करेंगे। ये देखिएगा, एक दो तीन और ये चार, ठीक है ना फ्रेंड्स। कैसे करेंगे, वन प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बराबर कितने हुए हमारे, चार तीन सात दो नौ और एक दस त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हैं, दस त्रिभुज केवल, ठीक है ना फ्रेंड्स, आया आपको समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारी आकृति देखिए नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं। हमारा वही स्पेस देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहला एक, ये दो, ये तीन, वैसे ही ऊपर एक दो और तीन, इसको क्या सॉल्व करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री बराबर कितना हुआ, सिक्स। वैसे ही एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छः, छः इसके हो गए नीचे वाला, छः इसके हो गए, टोटल हो गए हमारे बारह त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने हुए, बारह त्रिभुज। हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास और है इसकी, कि हमने इस एक लाइनिंग के त्रिभुज गिन लिए, पहले कितना है, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री कितना निकले, छः, कितने आए त्रिभुज, छः। अब उसमें हम काउंट करते हैं, ये हमारी जो बड़े त्रिभुज बने हुए इसकी क्या लाइनिंग है, एक तो ये रही नीचे से, दूसरी ये रही, कितने हुए, दो लाइनिंग, तो हम इसको दो से कर देंगे गुणा, ये हुए हमारे बारह त्रिभुज टोटल, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है दूसरी, कितने त्रिभुज हुए, बारह इस आकृति में, ठीक है ना फ्रेंड्स। केवल एक से दो सेकंड लगने वाले हैं, इस बीच आप किसी भी आकृति में बता पाओगे कितने त्रिभुज हैं इसमें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आकृति हमारी यही, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए त्रिभुज कितने हैं।
इस क्वेश्चन में कितने तरबूज हैं? वही करेंगे हम क्या, एक दो तीन और ये चार, वही वन एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बराबर कितने हुए? चार तीन सात दो नौ और एक दस। हमारे ऊपर लाइन कितनी है? एक दो तीन, क्या करेंगे हम, दस गुणा तीन बराबर तीस। इस आकृति में पूरे तरबूज कितने हुए हमारे? तीस तरबूज हैं इस आकृति में पूरे हमारे, ठीक है ना फ्रेंड्स, है ना शॉर्ट ट्रिक मज़ेदार, जो कि एक से दो सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से। केवल हमारी वीडियो आप दो बार देख लो, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे एक से दो सेकंड में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आकृति हमारी रही, इसमें बताइए कितने तरबूज हैं, क्या करेंगे हम, वही एक दो तीन चार, ठीक है फ्रेंड्स, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बराबर कितना हुआ है? दस। क्या करेंगे हम, दस में क्या गुणा करेंगे? एक एक दो तीन और चार, दस गुणा चार बराबर कितने हुए हमारे? चालीस त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चालीस त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको हमारे अगर क्वेश्चन और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लगे कि हाँ बंदे में दम है, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा फ्रेंड्स को अपने शेयर भी करें, जिससे कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक बंदे देख पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में हमारी वीडियो से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। और इतनी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि दो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आकृति रही हमारी, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, कैसे निकालेंगे? एक यहाँ से आता एक और दूसरा ये रहा दो, वैसे ही है, एक यहाँ से यहाँ दो और ये तीन, कैसे हुए? एक प्लस दो, ठीक है बराबर कितने हुए? तीन। ऐसे इसका एक प्लस दो प्लस तीन, एक प्लस दो प्लस तीन बराबर छः, तीन दो पाँच और एक छः, छः और तीन को ऐड करेंगे हम, छः और तीन कितना हुए? सिक्स प्लस थ्री बराबर नाइन। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नौ त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आकृति लेके आए आपके लिए, ये रही, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का तरीका वही हमारा, एक और ये दो, इसका एक और ये दो, इसका एक और ये दो और ये तीन, कैसे करते हैं हम, एक प्लस दो, एक प्लस दो बराबर कितना हो गया? तीन। अब इसका एक प्लस दो बराबर कितना हुआ? तीन। इसका एक प्लस दो प्लस तीन, एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितना हुआ? छः। हमारे कितने हुए? छः तीन प्लस तीन प्लस छः, छः और तीन नौ और तीन बारह, कितने त्रिभुज हुए? बारह त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। इस आकृति में हमारे बारह त्रिभुज हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आकृति लगाए ये रही, इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं, केवल ही दो सेकंड लगने वाले हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है फ्रेंड्स, एक प्लस दो बराबर कितना हो गया? तीन। एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितना हो गया? छः। एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितना हो गया? छः। छः और छः बारह और तीन पंद्रह। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? पंद्रह त्रिभुज, है ना फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक, देखो कितना आसानी से निकल पा रहे हो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आकृति आपके पास, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं,
कैसे निकालेंगे, एक दो, ठीक फ्रेंड्स। इसमें ऊपर एक यहाँ से यहाँ तक और ये दो, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो और ये तीन, इसमें एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक तीन और यहाँ से यहाँ तक चार, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे करेंगे हम इसे, एक प्लस दो बराबर कितना हो गया तीन, ये वाला, फिर ये एक प्लस दो बराबर कितना हो गया तीन, ये वाला। अब करेंगे एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितना हो गया, तीन दो पाँच और एक छः, ये वाला। अब ये इसे करेंगे तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार बराबर कितना हो गया, चार तीन सात, दो नौ और एक दस। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, दस और छः सोलह और उन्नीस और बाईस कितने हुए इस आकृति में, त्रिभुज हैं बाईस त्रिभुज इस आकृति में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट ये आकृति, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, इसमें कैसे करेंगे हम इस आकृति में। देखिए ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, हमने काउंट कर लिया, छोटे त्रिभुज कितने हैं चार, चार छोटे त्रिभुज है प्लस ये क्या है एक बड़ा त्रिभुज, इस आकृति में कितने हैं चार छोटे त्रिभुज प्लस एक बड़ा वाला त्रिभुज, बराबर कितने हैं पांच त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। कर पाओगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली ट्रिक है, कोई बंदा एक से दो बार देख लेगा वीडियो को तो वो आसानी से कर पाएगा इन क्वेश्चनों को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बताइए कितने हैं, कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। देखिए फ्रेंड्स, जो ये अंदर हमारा त्रिभुज दे रखा है, ये वाली आकृति और जो हमने पहले सॉल्व किया ये आकृति सेम है, तो इसमें आकृति में कितने होंगे त्रिभुज, एक दो तीन चार और एक ये बड़ा पाँच, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक दो तीन चार और एक बड़ा पाँच, पाँच ही निकाल लिया हमने, ठीक ना फ्रेंड्स। पांच तो हमारे ये हुए, एक एक दो तीन चार और एक बड़ा पाँच, अब क्या करेंगे, पांच तो ये हुए प्लस अभी हम करेंगे एक ये दो और ये तीन, तीन तो ये तीन ये हो गए छोटे बार, एक दो तीन, ठीक है, और एक ये बड़े वाला त्रिभुज कितने हुए चार त्रिभुज, बराबर कितने हुए टोटल त्रिभुज नौ, इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं नौ त्रिभुज, ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट अगली आकृति हमारी ये आ गई, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन हटा देते हैं तो हमारी आकृति सेम, ये आकृति और ये आकृति सेम आकृति है, तो हम कैसे करेंगे इसको, इसमें कितने थे पांच त्रिभुज, इसके अंदर वाले में पांच त्रिभुज, तो इसमें कितने हैं पांच त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये रहा दो तीन चार और एक ये बड़ा पाँच त्रिभुज, ठीक है, तो हमने पांच त्रिभुज कर लिए प्लस, अब क्या करेंगे हम, जो ये हमारे बीच में लाइनिंग दे रखी है इसकी वजह से जो त्रिभुज बने हुए हम उन्हें हम काउंट करेंगे, ये एक ये दो ये तीन ये चार ये पाँच और ये छः, ठीक है फ्रेंड्स। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, जो हमारे लाइनिंग की वजह से त्रिभुज बने हैं, ठीक है। पाँच त्रिभुज तो हमारे पहले आ रखे हैं, पांच हमने ऐड कर रखा है, अब ये कितने निकले छः अलाइन की वजह से, तो पांच और छः कितने हुए ग्यारह त्रिभुज, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ग्यारह। हाँ जी देखिए फ्रेंड्स, एक ही आकृति आई आपके सामने, इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, बताइए फ्रेंड्स, दो सेकंड का टाइम है आपके पास, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताओ दो सेकंड में।
चलिए हम पता करते हैं, एक दो तीन चार, चार हमारे छोटे तरबूज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे इसके लिए, चार गुणे दो बराबर कितना होगा आठ। इस आकृति में तरबूज कितने हमारे, आठ तरबूज हैं केवल। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इस आकृति में देखते हैं कितने तरबूज हैं। नेक्स्ट आकृति है हुई हमारे, देखिए वही एक दो तीन चार पाँच ये छः। क्या करेंगे, छः गुणा दो बराबर कितना हुआ बारह। इस आकृति में कितने तरबूज हैं, बारह। देखा फ्रेंड्स, केवल एक से दो सेकंड लग रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए आकृति और इसको कैसे कर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कितने हैं इसमें, आठ गुणा दो बराबर कितना है, सोलह। इस आकृति में कितने तरबूज हैं, सोलह तरबूज। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आकृति, नेक्स्ट क्या है, ये रही नेक्स्ट आकृति। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एसएससी जीडी और आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, मतलब ये है एसएससी सीजीएल, मतलब कहीं भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, सेम टू सेम कहीं भी देखने को मिल सकते हैं आपको ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इस आकृति में हम देखते हैं कितने त्रिभुज हैं इसमें। क्या करेंगे हम, एक दो तीन चार, ठीक है, ये हमारी कहाँ दे रखा है, सेम आकृति, ये वाली जो आकृति है हमारी, ये सेम आकृति दे रखी है हमारी ऊपर, ये रही, ठीक है, सेम आकृति है। इसमें कितने थे, आठ, और इसमें कितने हैं, चार गुणा दो कितने होंगे, आठ। वैसे ही से देख लो आप, एक दो तीन चार, वो क्या करना है हमें, चार गुणा दो बराबर आठ त्रिभुज, इसमें चार गुणा दो बराबर आठ त्रिभुज हमारे इसमें हो गए। ठीक है, आठ तो ये हो गए, आठ ये हो गए और आठ ये हो गए। और भी कहीं आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखो, कहीं और भी आपको दिख रहे हैं क्या, जी हाँ, एक तो त्रिभुज आपका ये रहा और एक ये रहा, ये वाला त्रिभुज एक और एक बड़ा ही ये त्रिभुज, तो प्लस दो और कर देंगे, कितना हो गया हमारे, आठ और आठ सोलह और दो अठारह। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपके, अठारह त्रिभुज। ठीक है ना, आए समझ, केवल एक से दो सेकंड लगने वाली है आपको, इससे ऊपर कुछ नहीं लग सकता आपको। चलिए एक और आकृति आपके सामने आई, ये रही, इसको देखिए आप, ये कैसे सॉल्व होगा, वही जैसे हम पहले फिर छोटे त्रिभुज काउंट कर रहे थे, एक दो तीन चार, ठीक है, वैसे ही एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार गुणा दो बराबर आठ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेम आकृति ये है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, आठ में हम तीन से गुणा कर लेते हैं, आठ दिया चौबीस। ठीक है, तो इसकी इस ये तीनों में कितने त्रिभुज हो गए छोटे, चौबीस त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी कई त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, जो और इनसे अलग त्रिभुज बनना है, एक ये बनना है, ये रहा और एक ये रहा, दो दो ऐड करो। ठीक है, फिर कहाँ है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो ये भी तो बनना है इससे, इस आकृति से दो ये ऐड करेंगे, और देखो और भी बनना है, जी हाँ बनना है, एक त्रिभुज हमारा ये बड़ा वाला और बनना है, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस एक और ऐड करेंगे, कितना हो गया,
24, 2 26, 2 28 और 1 29। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 29 त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, इस आकृति में त्रिभुज हो गए हमारे 29। चलिए ये दूसरी आकृति देखिए, इसमें काउंट करना है त्रिभुज कितने हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी सेम वही, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करना है? 6 × 2 बराबर कितना हुआ? 8। ठीक है ना, 6 × 2 = 12। क्या क्या हो फ्रेंड्स? 6 × 2 = 12। अब ये आकृति और ये तीनों आकृति हमें सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। इसमें तीन आकृति है ना, कितना हुआ? भारतीय 36 हमारे हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसमें और भी त्रिभुज हमारे क्या क्या कौन कौन से त्रिभुज बनने हैं। एक हमारा ये रहा, एक ये रहा, मतलब हम 2 ऐड कर देंगे, फिर हमारा एक ये रहा और एक इधर ये रहा, ये 2 ये हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ? एक ये और है हमारा, कौन सा? ये वाला, जो हमारा ये बना बड़ा वाला, प्लस एक ये रहा। ये कितने हो गए? 36 × 2 = 38, 40 और 1 = 41। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 41 त्रिभुज। देखा फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आप यूँ ही निकाल पाओ, बिना प्रैक्टिस किए निकाल पाओ, ऐसा क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक देखो और लाइक और शेयर करो, क्योंकि हम 2 से 5 सेकेंड में आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इस आकृति में बताइए त्रिभुज कितने हैं। हम वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करेंगे हम? 8 × 2 = कितना हुआ? 16। ठीक है फ्रेंड्स, 8 × 2 = 16। अब क्या करेंगे हम? ये आकृति और ये आकृति, तीनों आकृति हमारे सेम हैं, और आकृति कितनी है हमारी? 3। तो हम इसीलिए तीन आकृति हमारी 3 से कर दी हमने गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, जब 3 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 16 × 3 = 48। ठीक है फ्रेंड्स, 48 हमारे ये हो गए, और एक ये रहा, प्लस 2। ठीक है, और एक ही और देखो, एक ये रहा, प्लस 2 और आए, एक ये रहा बड़े वाला, ये वाला, प्लस 1। कितना हुआ है? 48 × 2 = 50, 2 = 52 और 1 = 53। ये आपका हुआ 53। ठीक है फ्रेंड्स, आपको त्रिभुज को काउंट करना तो आसानी से आ ही गया होगा, और नहीं आया हो तो आप हमारी वीडियो को एक बार और देख लो, आसानी से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी एग्ज़ामों में ये वाले क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनमें देखिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन मिल रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे इसमें? 1 1 2 3 4, इधर देखते हैं, 1 2 3 4, वैसे इधर 1 2 3 4, ये हमारे 4 हैं टोटल में। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम?
इसको हम काउंट करने का हमारे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, केवल यह है इसको आप याद कर सकते हो कि अगर आपको ये आकृति कहीं भी दिखती है इसमें कि ये और ये दोनों तरफ बराबर हैं, समान हैं, तो वह आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। अधिकतर ये देखने को मिलती है आपको तीन वाले, अगर इसमें ये आपके तीन हैं, एक दो तीन हैं, तो उसमें उसमें त्रिभुज होंगे आपके कितने, उसमें होंगे आपके 13 त्रिभुज तीन आकृति वाले में। और आपको चार आकृति वाली मिल जाती है तो चार वाली में मिलेंगे आपको 27 त्रिभुज। आपको ये तो याद करना पड़ेगा, चार वाले मिलेंगे 27 त्रिभुज, ठीक है ना फ्रेंड। और ये पांच वाली आकृति मिल जाती है तो पांच वाले मिलेंगे आपको 48। और ये इस आकृति में आपको इससे ऊपर कोई भी नहीं मिलने वाली, केवल पांच तक ही इस आकृति में क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर एक कोई किसी भी आकृति का नहीं आता। और अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके तीन आकृति वाले और चार आकृति वाले, पांच आकृति वाला भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वरना पांच आकृति वाला भी क्वेश्चन नहीं आता। वो आपको ये आकृतियाँ काउंट करनी पड़ेंगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इसमें त्रिभुज गिनने जाओगे तो आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा कि कई क्वेश्चनों का टाइम आप वेस्ट कर दोगे, इसीलिए आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। तीन वाले हैं, तीन हैं तो 13, चार हैं 27, पाँच हैं 48, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आकृति ये है आपकी, आज के चैप्टर की लास्ट आकृति है ये। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, तथा हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का आइकन आएगा जो बेल आइकन है, उसको आप प्रेस करें, तथा प्रेस करने के बाद उसमें ऑल को सेलेक्ट कर लें, तभी आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देख पाओगे, वरना आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा फ्रेंड्सों में इसे शेयर भी करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्सों को भी फ़ायदा हो इस वीडियो का। चलिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे काउंट करेंगे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, ये छः। हमने इसके छोटे त्रिभुज काउंट कर लिए, छोटे त्रिभुज कितने हैं, छोटे त्रिभुज हमारे छः। अब देखिए छोटे त्रिभुज छः हैं हमारे, अब इसमें हमें देखना है कि बड़े त्रिभुज कितने बनने हैं। बड़े त्रिभुज कितने हैं, एक तो ये रहा ऊपर और एक ये रहा नीचे, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, क्या हैं, दो त्रिभुज। तो इस आकृति में होंगे आपके आठ त्रिभुज, इस आकृति में होंगे आपके आठ त्रिभुज, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।